प्रियंका गांधी की निगाहें इस वक्त पूर्वांचल पर टिकी है। काशी से नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देना उनकी लिस्ट में पहले नंबर पर है, लेकिन इस बार पूर्वांचल के सबसे वीआईपी शहर काशी में प्रियंका के साथ गड़बड़ हो गई। ऐसी गड़बड़ जिससे मंदिर में पूजा करने गई प्रियंका भड़क गई, लेकिन काल भैरव मंदिर में पूजा करते करते आखिर क्यों गुस्सा गई प्रियंका गांधी, ये समझने के लिए पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। दरअसल प्रियंका गांधी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपने उम्मीदवार अजय राय के लिए दिन में एक रोड शो किया, फिर इसके बाद शाम को वो भगवान का आशीर्वाद लेने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर पहुंची। लेकिन काल भैरव मंदिर के अंदर प्रियंका उस वक्त नाराज हो गई जब एक कैमरामैन लगातार तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए उनके सामने चल रहा था। प्रियंका ने कैमरामैन से कहा, मंदिर के अंदर नहीं, थोड़ा तो लिहाज रखिए। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका की तस्वीरों के लिए मीडिया अक्सर ही थोड़ा ललायित रहता है, ऐसे में कैमरामैन की एक्साइटमेंट उसी पर भारी पड़ गई। खैर, प्रियंका की इस नाराजगी के बाद कैमरामैन उनके रास्ते से हट गया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर दिन में प्रियंका के रोड शो की है। कहा जा रहा है कि प्रियंका के रोड शो में उमड़ी भीड़ बीजेपी के अनुमान से कुछ ज्यादा थी। हालांकि कांग्रेस का दावा तो यहां तक है कि प्रियंका का रोड शो नरेंद्र मोदी के रोड शो की टक्कर का था, लेकिन हकीकत ये है कि प्रियंका को देखने के लिए ही सही जितने लोग प्रियंका की रैली में दिखे उससे बीजेपी थोड़ी परेशान है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए काफी दिनों बाद पूर्वांचल का रुख किया। हालांकि पूर्वांचल की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रियंका ने अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत प्रयागराज से काशी तक के लिए की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में भी पसीना बहाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने दूसरे राज्यों का रुख किया। इस दौरान वो असम, पंजाब और मध्य प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करती नजर आईं। पूर्वांचल की ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।